तो सारे बास्केट सेम है इसलिए इसकी सेम ही वैल्यू होगी। कैशन करते हैं फिर माइनस करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 14। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ग्रीन कलर के बास्केट्स हैं तो सारे बास्केट सेम है इसलिए इसकी सेम ही वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू हम 4 रखेंगे तो इसका आंसर 12 ही आता है क्योंकि 4 + 4 + 4 = 12। तो पहले ग्रीन बास्केट की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के बजाय इक्वेशन नंबर 3 पे जाएंगे क्योंकि 2 के इक्वेशन में हमें 2 वैल्यू फाइंड नहीं है। तीसरे इक्वेशन में हम देखेंगे ग्रीन बास्केट की वैल्यू 4 है और उसके साथ जो बेलचा है जो उसको येलो कलर का जो बेलचा है वो दोनों माइनस हो रहे हैं। तो माइनस हो रहे हैं इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास एक रेड कलर का की बास्केट रह गई है तो रेड कलर की बास्केट अगर हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 4 = 5। इस तरह हमारा आंसर करेक्ट आता है। अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के बजाय इक्वेशन नंबर 4 पे जाएंगे क्योंकि अभी भी हमें इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व नहीं हो सकता। हम इक्वेशन नंबर 4 में येलो कलर का जो बास्केट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों माइनस हो रहे हैं दोबारा। तो कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ग्रीन और रेड बास्केट हमारे रह जाते हैं और साथ में एक ब्लू है। ग्रीन और रेड बास्केट की वैल्यू 1 + 4 हो जाती है और ब्लू बास्केट की वैल्यू हम 7 रखेंगे तो 1 + 4 + 7 = 12 आ जाएगा। तो तीनों बास्केट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमें ब्लू बास्केट की वैल्यू पता चल गया है कि वो 7 है। उसके साथ जो दो येलो कलर के बेलचे हैं दो बेलचे तो इसलिए हम इसकी अलग अलग वैल्यू लगाएंगे। 2 + 2 वैल्यू लगाते हैं तो 7 + 2 + 2 = 11 बन जाता है। तो एक बेलचे की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम इक्वेशन नंबर 5 पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में इस तरह हम देखते हैं जो येलो कलर का बास्केट है वो माइनस हो रहे हैं दोबारा तो फिर दोबारा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसकी हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो माइनस होके 0 हो जाती है। इस हम येलो कलर में जो बेलचा है उसको देखें उसके बाद और रेड कलर के बास्केट में एक बेलचा है वो दोनों भी माइनस हो रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मैथ में हमें पता है कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर माइनस करते हैं तो 7 × 2 = 14 −1 = 13 आंसर आता है। तो हमारा आंसर आ गया 13। अगर मैथ में किसी को पता नहीं है तो पहले हम डिवीजन करते हैं यानी तकसीम करते हैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो ये रूल्स हैं। तो हमारा आंसर आ गया 13। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन लाजमी दबाएं और वीडियो को भी लाइक करें।